हम भी पूरा कर रहे हैं, लेकिन इतना रुझान देखने को नहीं मिला, इस वाले साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर वीडियो। जिस दिन का इंतजार था आज वो आ पहुंचा है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे अहम तीन दिन है 8 फरवरी। अभी मैंने पोलिंग स्टेशन को विजिट किया है, जो चीज अभी तक मैंने देखी है, लोगों का इतना ज्यादा रुझान नहीं है वोट कास्ट करने की तरफ। हमारे टाउन में तकरीबन 4 से 5 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, एक बिल्कुल हमारे सामने और एक हमारे पीछे और 2 हमारे बिल्कुल सामने बनाए गए हैं। पोलिंग स्टेशन पे लोगों की तादाद बहुत कम है, लेकिन जो आए उनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें, बुजुर्ग शामिल हैं। रात को बड़े मजेदार किस्म के जो नतीजे हैं वो देखने को मिलेंगे। लेट्स सी के क्या रिजल्ट देखने को और सुनने को मिलते हैं। पर इंशाल्लाह उम्मीद है आज बहुत अच्छा होने जा रहा है। बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी अपनी चॉइस के मुताबिक वोट कास्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, कुछ तो ये कह रहे हैं कि हम वोट कास्ट कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि हमने वोट कास्ट करना ही नहीं। मेरा इन तमाम लोगों को ये मशवरा है कि वोट आप कास्ट करें, चाहे जिस पार्टी को भी आपने करना है वोट आप लाजमी कास्ट करें। तो मलिक साहब से पूछेंगे, मलिक साहब क्या हाल है, सब ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमें बताएंगे कि वोट आप कास्ट कर रहे हैं कि भी करना है? कर रहे हैं। किसको वोट दिया आपने? एक आप जमीर को, एक पाकिस्तान को। मतलब एक अपने जमीर को और एक पाकिस्तान को, कि आपको लगता है कि आज का जो इलेक्शन है वो बिल्कुल साफ और शफाफ होगा? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि लोग जो है वोट कास्ट करने के लिए निकलेंगे, क्योंकि वोट कास्ट का जो टाइम है वो मैक्सिमम 4 बजे तक है। एक और हमारे साथ मौजूद है जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, ठीक करे अल्लाह का जी। आप वोट कास्ट कर रहे हैं कि अभी करने कर रहे हैं? वोट कास्ट। किसको वोट कास्ट किया है? बस कर दिया, जो भी पार्टी अच्छी नुमाइंदा मुंतखब हुआ है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम उनके साथ हैं। हमने अपनी मानत बहुत अच्छे तरीके से, ऐसा तरीके से अंजाम दे दी है। मेरा पोलिंग स्टेशन पे वोट विजिट हुआ है, लेकिन इतना रुझान देखने को नहीं मिला, इस वाले साहब क्या कहेंगे? अल्लाह के हुक्म से अवाम निकलेगी, अपना वोट जो है हक राय इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। वोट एक अमानत है, जो अमानत है इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, ये हर हालत में वोट कास्ट करना चाहिए। वोट जो लोग घरों में बैठे हैं वो भी पैगाम सुन रहे, वोट कास्ट करें, अपनी मर्जी का नुमाइंदा मुंतखब करें। ये हमारे वोट से ही नुमाइंदा मुंतखब होता है, वोट कास्ट करना चाहिए अल्लाह के हुक्म से। अभी तक की जो पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल है, कितना मुतमिन है आप? हम बहुत मुतमिन है, अच्छा हो रहा है माहौल, अमन अमान से तरीके से, अच्छे तरीके से ये जो वोटिंग हो रही है, कोई इसमें ऐसा नहीं। और जो लोग कह रहे हैं कि धांधली होगी, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी तक धांधली का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा, वोट सही कास्ट हो रहे हैं, बिल्कुल सही कास्ट हो रहे हैं। पुरअमन तरीके से और साफ और शफाफ इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। जो नेट और मोबाइल सर्विस है वो बिल्कुल बंद है, और ट्रांसपोर्ट जो है वो भी टोटली बंद है। आज के दिन में आपको मजीद जो अपने टाउन की पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल है उनके बारे में आगाह करता रहूंगा इंशाल्लाह। उम्मीद है, उम्मीद तो ये है कि पुरअमन तरीके से जो है वो पोलिंग स्टेशन पे वोट कास्ट किए जाएंगे, कोई हल्ला गुल्ला नहीं होगा, कोई जो है ना अफरा तफरी नहीं मचेगी, उम्मीद तो ये की जाती है। क्योंकि अगर सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है, पाक फौज और मुल्क पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी अदारे हैं वो बड़ी जिम्मेदारी से अपने सिक्योरिटी जो ड्यूटी है वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो उम्मीद तो ये की जाती है कि सारे जो मामला है इंशाल्लाह बहुत बेहतर तरीके से सर अंजाम होंगे। तो बाकी जो सूरत हाल होगी वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पे आपके अपने वोट की तस्दीक करें और देखें कि आपका वोट कौन से पोलिंग स्टेशन पे है, वो आपको पर्चे बना के देंगे, फिर आप वोट कास्ट कर सकते हैं। सिलसिला नंबर 158 लेडीज है। मतलब हले वोट पाया नहीं है तो बट साहब तू हाँ शेर नू चोई साहब ने भी शेर नू है ना चोई साहब। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा जो फर्ज था और जो हक था हम भी पूरा कर रहे हैं। जेडे मामू रही ने ना, मामू आबदरी, वो सारे ना वोट कट के लैके ने। थोड़ा आई डी कार्ड कितों का बने है? इतों का ही है। केड़ा मोहल्ला है? तो तुम चेक करो, पोलिंग स्टेशन के बाहर एजेंट बैठे ने, वो तुहानू दसणगे सिलसिला नंबर घराना नंबर, जाके इजीली वोट कास्ट करोगे। वैसे अगर मिल जाते तो किनू वोट पाओगे? मैं वोट उस बंदे ने पाना जेड़ा आन के तरला लवे, तेरी मेहरबानी यार वोट पा। फिर ना कोई आया, क्योंकि गल हो गई है, गल हो गई है साडी। सबसे ज्यादा इस वाले पोलिंग स्टेशन पे जो है ना वो सिक्योरिटी जो है ना वो सख्त है, हर 10 मिनट के बाद कोई ना कोई ऑफिसर यहाँ पे विजिट कर रहा है। जी मियाँ साहब, ये क्या? ये बिरयानी जनाब। अच्छा, वोट किसको देना है?
किसको वोट कहती का प्रियानी नूली। वाह 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 वाह, ये तो ज्यादा नहीं फिर हो जाएगी। हाँ ये नूली वाले से ज्यादा है या पीटी वाले से ज्यादा है? बिल्कुल नहीं है, ये रिजल्ट है हमारे भाइयों का, वो भी हमारे भाई है नून लीग वाले। हाँ प्रियानी का। अच्छा पोलिंग स्टेशन की अभी सूरत हाल क्या है? पोलिंग स्टेशन पे कास्टिंग बहुत ज्यादा जा रही है और ये नहीं पता किसको जा रही है, कर रहे हैं ये नहीं पता किसका। चले खाते हैं मिलके बिरयानी। लास्ट टाइम 5 बजे है, मतलब कि 5 बजे से पहले पहले जिसने वोट कास्ट करना है वो कर सकता है। पहले सुबह इतना गहमा गहमी नहीं थी, लेकिन जो ही टाइम गुजरता जा रहा है लोगों का रुझान जो है वो पोलिंग स्टेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही है, मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 के पोलिंग स्टेशन के पास हूँ और 45 मिनट बाकी हैं अभी भी वोट कास्ट करने में। तो नसीम भाई जो हैं वो वोट कास्ट करने के लिए आए थे, लेकिन वोट कास्ट करने के लिए ओरिजिनल CNIC कार्ड जो है ना वो होना ज़रूरी है, जो कि नसीम भाई का नहीं है, तो इसलिए नसीम भाई वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। कोई बात नहीं भाई, आपने किसको वोट कास्ट किया है? हमने नून लीग को दिया। और आपने? हमने नून लीग को किया है। जबरदस्त, ठीक है। ओके कैसे हैं भाई, ठीक है? आप किसको वोट कास्ट करने जा रहे हैं? आप देखो अंदर जाके देखते हैं भाई, बताएं खुला खुलम खुला बताएं, क्योंकि लोड खुलम खुला अपनी मर्जी से वोट कास्ट कर रहे हैं। ग्रेन को देने जा रहे हैं। TLP? हां जी, माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त। खुद किन वोट कास्ट किया जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। PTI? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त।